गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लेसन नंबर 10-11 का पेज नंबर 71 पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले पेज नंबर 70 में समझा दिया है कि गांधी जी किस तरीके से अपना चरित्र निर्माण के ऊपर ज़्यादा भार देते थे और उनका जीवन कैसा था, श्रमी था, श्रम करने वाले थे, सेवा करने वाले थे और बिल्कुल सादगी से भरा हुआ था, यानी बिल्कुल सिंपल लाइफ थी, हाई थिंकिंग एंड सिंपल लिविंग। तो चलो आज हम गांधी जी का पाठ पढ़ते हैं और समझते हैं। पेज नंबर 71। संसार में तीन बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको प्राप्त कर तुम संसार के किसी कोने में जाओगे तो अपना निर्वाह कर सकोगे। ये तीन बातें हैं, अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। अब गांधी जी बता रहे हैं कि इस संसार में तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण यानी इम्पॉर्टेंट है। अगर तुम्हें इन तीन बातों का ज्ञान हो जाता है तो बच्चों तुम अपना जीवन निर्वाह, अपना जीवन कहीं भी अच्छे से निर्वाह कर सकते हो, अच्छे से जीवन गुजार सकते हो। कौन कौन सी तीन बातें हैं बच्चों? आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का, यानी इन तीन बातों का सच्चा ज्ञान प्राप्त होना। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें अक्षर ज्ञान नहीं मिलेगा, वह तो मिलेगा ही। अर्थात गांधी जी बता रहे हैं कि ये नहीं है कि इस अगर आपको ये आत्मा का, ईश्वर का, अपने आप का ज्ञान हो जाए तो आपको अक्षर ज्ञान यानी रिटन वर्क नहीं करना है, ऐसा नहीं है। आपको वो तो प्राप्त करना ही है, लेकिन तुम उसी की चिंता करो यह मैं नहीं चाहता। अर्थात जैसे आप लोगों को मैडम बोलते हैं ना कि पूरा लेसन अच्छे से पढ़ा करो, याद किया करो, पोएम याद किया करो, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ा करो, पर आपको ऐसा लगता है जो मैडम ने काम दिया रिटन वर्क बस वही फटाफट पूरा कर दो। अर्थात गांधी जी का कहने का मतलब है कि सिर्फ रिटन वर्क करो, अर्थात गांधी जी का कहने का मतलब है सिर्फ अक्षर ज्ञान प्राप्त करो, उसकी ही चिंता में रहो, वह सही नहीं है। इसके लिए तुम्हारे पास अभी बहुत समय है। अक्षर ज्ञान तो इसलिए होता है कि जो कुछ तुम्हें मिला है उसे तुम दूसरों को दे सकते हो। अर्थात गांधी जी का कहने का मतलब है कि जो हम बुक्स में पढ़ते हैं हमें वह ज्ञान इसलिए है ताकि तुम अगर बड़े हो जाओ तो तुम उस ज्ञान को दूसरों में बांट सको। अर्थात खाली तुम्हें बुकिश नहीं बनना है कि जो बुक में है खाली उतना ही पढ़ना है, हमारे आसपास क्या चल रहा है। जैसे मैं आपको बोलती हूँ ना कि डेली न्यूज़पेपर पढ़ा करो तो आप अपडेट रहोगे। हमें कैसे मोबाइल को अपडेट करते रहते हैं कि नया नया वर्जन आया है, अपडेट होगा तो अच्छा चलेगा, फ्रेंडली चलेगा। वैसे हमें भी अपडेट रहना चाहिए। कैसे हम अपडेट हो रहे हैं? जैसे अब हम सब कुछ मोबाइल में पढ़ रहे हैं, पहले हम सब कुछ खाली किताबों में पढ़ते थे, पर हम अपने आप को अपडेट कर रहे हैं। इतना और याद रखना है कि अब से हमें गरीबी में रहना है। जितना अधिक मैं विचार करता हूँ उतना ही अधिक मुझे लगता है कि गरीबी में ही सुख है। अमीरों की तुलना में गरीब अधिक सुखी है। अर्थात गांधी जी कहते हैं कि हमें यह याद रखना है कि हमें गरीबी में रहना है। गरीबी में रहने का मतलब उनका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल गरीब बनकर रह जाओ, पर गांधी जी कहते हैं कि मैं जितना विचार करता हूँ उतना ही अधिक मुझे लगता है कि गरीबी में ज़्यादा सुख है। अमीरों की तुलना में गरीबी में हम ज़्यादा सुखी हैं। देखो बच्चों, जो गरीब होते हैं उनको किसी चीज़ की चिंता नहीं होती कि कल क्या करेंगे, रोज कमाते हैं रोज खाते हैं। हमें तो चिंता हो जाती है बैंक में रुपया रख देंगे, बैंक करप्ट हो गई, बैंक डूब गई तो हमारा पैसा कहाँ जाएगा, ये वो ऐसी चिंता रहती है, पर गरीब लोगों को ऐसी कोई चिंता नहीं होती। खेत में घास और खड्डा खोदने में पूरा समय देना, ऐसा गांधी जी कहते हैं कि खेत में घास और खड्डा खोदने में पूरा समय देना, भविष्य में हमें अपना जीवन निर्वाह इसी से करना है। मेरी इच्छा है कि अपने परिवार में तुम एक योग्य किसान बनो, सभी औजारों को सदा साफ और सुव्यवस्थित रखना। अर्थात गांधी जी कहते हैं
कि हमें पूरा समय अपना किस में देना है, खेतों में घास और खड्डा खोदने में। भविष्य अर्थात फ्यूचर में हमने अपना जीवन निर्वाह इसी तरह करना है। उनका कहना है कि मेरी इच्छा है कि अपने परिवार में तुम एक योग्य किसान बनो और जितने भी औजार हैं, तुम्हारे खेती करने के जितने भी औजार हैं उन्हें सुव्यवस्थित रखो, यानी ढंग से रखो। अक्षर ज्ञान में गणित और संस्कृत का पूरा ध्यान देना। उनका कहने का है कि अक्षर ज्ञान में गणित यानी मैथ्स और संस्कृत पर पूरा ध्यान देना। भविष्य में संस्कृत तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। ये दोनों विषय बड़ी उम्र में सीखना कठिन है। संगीत में भी बराबर रुचि रखना। उनका कहना है कि संस्कृत तुम्हें आगे फ्यूचर में बहुत काम लगेगी। इन दोनों विषय को अगर जब हम बच्चे हैं तभी सीख लें तो अच्छा है, उम्र बड़ी होने पर सीखना मुश्किल हो जाता है। और वह उनका विचार है कि संगीत में भी हमें बराबर रुचि यानी इंटरेस्ट रखना चाहिए। हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी के चुने हुए भजनों एवं कविताओं का एक संग्रह तैयार करना चाहिए। गांधी जी को भजन बहुत प्यारे थे। गांधी जी कहते थे कि हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी तीनों लैंग्वेज में भजन को आपको भजन और कविताएं संग्रह यानी इकट्ठे करके रखना चाहिए। वर्ष के अंत में मैं तुम्हें अपना यह संग्रह, उनका कहना है कि भविष्य में यह संग्रह बहुत मूल्यवान प्रतीत होंगे, अर्थात तुम्हें आभास होगा, तुम्हें पता चलेगा कि इस तरह का कलेक्शन कितना अब हमारे लिए योगदान रहता है। काम की अधिकता से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए और ना ही यह सोचना चाहिए कि यह कैसा होगा और पहले क्या करें। अर्थात उनका कहना है जब भी काम अधिक हो तो तुम्हें उससे घबराना नहीं चाहिए। ऐसा तो मैं आपको भी क्लास में कहती रहती हूँ ना कि काम से ही मनुष्य आगे बढ़ता है, खाली बैठने से उसे कुछ सीखने को नहीं मिलता। तो गांधी जी का कहना है कि कभी भी समय व्यर्थ ना करो, खाली ना बैठो। काम अगर अधिक हो तो उसे मन से करो और कभी ये मत सोचो कि ये कैसे होगा, हमें पहले क्या करना है। काम शुरू करो, वो अपने आप होता चला जाएगा। नहीं आता तो सीख कर करो पर खाली मत बैठो। जैसे कि आपको पहले मैंने बताया भजन का, तो गांधी जी का प्रिय भजन कौन सा है बच्चों? वैष्णव जन तो सौ ने कहिए, गांधी जी का प्रिय भजन है। शांत चित्त से और सोच समझ कर यदि तुमने सभी सद्गुणों को प्राप्त करने की चेष्टा की तो वे तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी और मूल्यवान सिद्ध होंगे। अर्थात गांधी जी का कहना है कि अगर शांत मन से और सच सोच समझ कर इन सभी गुणों से तुम कोई भी काम करने की चेष्टा यानी कोशिश करोगे तो वह तुम्हारे लिए बहुत ही उपयोगी यानी यूजफुल साबित होगा और मूल्यवान यानी तुम्हें उसकी कीमत का भी आभास होगा। तुमसे आशा है कि घर के लिए जो भी, गांधी जी कह रहे हैं कि घर के लिए जो भी तुम खर्च करते होंगे उसके पैसे पैसे का हिसाब रखते होंगे। अर्थात गांधी जी का कहने का मतलब इससे यह है बच्चों कि तुमने एक रुपए की चॉकलेट ली तो लिख लिया, दो रुपए की चॉकलेट ली तो लिख लिया, उनका मतलब यह नहीं है। उनका मतलब हिसाब से ये है कि अगर आप कोई भी चीज़ खरीद कर उसका हिसाब रखते हैं तो आप प्लानिंग से चलते हैं, आपको पता चलता है कि हमारे पास कितने पैसे हैं, हमें कितना खर्च करना चाहिए ताकि कल हमें ऐसा ना हो कि एक दिन में हम सारे पैसे खर्च कर डालें और फिर दूसरे दिन के लिए हमारे पास पैसे ही ना बचे और हम अपने आप को लाचार अनुभव करें। पर उनका समझाने का मतलब है कि हर काम को सोच समझ के और शांत चित्त से करो, अपने पैसे का हिसाब रखो तो जीवन में हमें हमेशा सक्सेस मिलती है और हम खुश रह सकते हैं। अर्थात उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से हमें बहुत सुंदर तरीके से समझाया है। अब हम पेज नंबर 72 पढ़ रहे हैं। मुझे यह भी आशा है कि तुम रोज़ शाम को नियम पूर्वक प्रार्थना करते होंगे
और रविवार को श्री वेस्ट के यहाँ भी प्रार्थना में जाते होंगे। सूर्य उदय से पहले उठकर प्रार्थना करना बहुत ही अच्छा है। प्रयत्नपूर्वक एक निश्चित समय पर ही प्रार्थना करनी चाहिए। प्रयत्नपूर्वक यानी मेहनत से और निश्चित यानी फिक्स टाइम आपका। यह नियमितता तुम्हें अपने जीवन में आगे चलकर बड़ी सहायक सिद्ध होगी। अर्थात गांधी जी का कहने का है मतलब है कि अगर तुम नियम से या कोई भी अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाकर चलते हो तो यह तुम्हें जीवन में आगे बहुत मदद रूप होंगे। अर्थात गांधी जी कह रहे हैं कि मुझे आशा है कि तुम रोज़ शाम को नियम पूर्वक यानी नियम से तुम क्या करते होंगे, प्रार्थना करते होंगे और रविवार को श्री वेस्ट के यहाँ भी प्रार्थना करने जाते होंगे। उनका हरदम मानना रहा है कि सूर्य उदय यानी सनराइज हो, सूर्य उगे उससे पहले आपको उठ जाना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए और हर काम को मेहनत से और निश्चित समय पर ही करना चाहिए। उससे आपको जीवन में पूर्ण सफलता मिलेगी। तो अब आप समझ ही गए होंगे पूरे चैप्टर को कि गांधी जी हर काम को मेहनत से रेगुलर टाइम पे और जो काम सुबह 5 बजे उठना है तो नियम से 5 बजे ही उठना है। तो इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि श्रम, चरित्र निर्माण, सेवा और सादगी, इन सब का हमारे जीवन में कितनी उपयोगिता है, कितनी महत्वपूर्णता है। मेहनत करना, अच्छा चरित्र निर्माण करना, किसी की भी सेवा करने से पीछे नहीं हटना और सादगी यानी सरलता से रहना, खाना पीना हर में सरलता होनी। इस प्रकार गांधी जी के बताए हुए नियमों को हम पालन करेंगे तो हमारा जीवन सुखी हो जाएगा और हमें कोई रोग भी नहीं होगा। जितना श्रम करेंगे उतना हमारे शरीर के लिए अच्छा रहेगा। तो बच्चों इस पूरे पाठ को पढ़िएगा और जो भी वर्क देती हूँ क्लास वर्क कंप्लीट करिएगा। नहीं समझ में आता है तो मुझे पूछ सकते हैं कॉल करके। ओके, थैंक यू।